दोस्तों टाइटैनिक जहाज आज से लगभग 112 साल पहले एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस वक्त जहाज में मौजूद ज्यादातर लोग सो रहे थे। जब यह घटना हुई उस वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इसी बीच टाइटैनिक जहाज बीच रास्ते में एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया। जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ उस वक्त यह कहा जाता था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक दुर्घटना में 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज 112 साल बीतने के बाद भी टाइटैनिक हादसे को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना माना जाता है। जब 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूबा तो कई लोगों का यह कहना था कि जहाज पूरा का पूरा वैसा ही समुद्र में डूब गया था। जिसके बाद टाइटैनिक से बचे कई यात्रियों ने यह कहा था कि उन्होंने टाइटैनिक जहाज को डूबने से पहले बीच में से दो टुकड़े होते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त ना तो कोई लाइव एविडेंस थे ना ही कोई फोटोग्राफ, जिसके चलते इन लोगों की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जिसके बाद टाइटैनिक जहाज को ढूंढने के लिए कई अभियान चलाए गए लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। साल 1985 में रॉबर्ट बेलेट द्वारा समुद्र के लगभग 4000 किलोमीटर गहराई में टाइटैनिक जहाज के मलबे को ढूंढा गया, जिसके बाद एक नई बात सामने आई कि टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले दो हिस्सों में टूट गया था और ये दोनों हिस्से समुद्र की गहराई में 800 मीटर की दूरी में आज भी मौजूद हैं। जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला तो उस वक्त कई अभियान दल द्वारा टाइटैनिक जहाज में से कई कीमती चीजों को निकाल लिया गया था। टाइटैनिक हादसे के इतने साल हो गए लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन पर आज भी रहस्य बना हुआ है। कई विशेषज्ञ आज भी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विशालकाय जहाज के बारे में कभी कहा गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, खुद भगवान भी इसे कभी नहीं डूबा सकता। कई लोगों के अनुसार इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो टाइटैनिक जहाज डिजाइन के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ऐसा जहाज था जिसमें कई सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। टाइटैनिक जहाज को तैयार करने के दौरान कई सारी मुश्किलें भी सामने आई थी। सबसे पहले तो जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक तरीके से काम करते रहे, इस बात पर भी काफी सोच विचार हुआ था। इन सभी बातों पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी और कई विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि अगर जहाज के साथ कोई दुर्घटना हुई तो जहाज की ऊंचाई की वजह से पानी जहाज के ऊपर के हिस्से में नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने जहाज के ऊपर के हिस्से में भी कई सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन जहाज बनाते वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये जहाज उसकी पहली ही यात्रा में एक विशालकाय आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में हमेशा के लिए जल समाधि ले लेगा। टाइटैनिक जहाज और आइसबर्ग की टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि जहाज की मुख्य बॉडी से आधी लंबाई तक एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और ऐसी हालत में समुद्र का पानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर जहाज के बाकी के हिस्से तक पहुंच गया था, जिसके बाद जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। जब टाइटैनिक बनकर पहली बार तैयार हुआ तो इस जहाज का प्रचार इस तरह करा गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जहाज में बेहद सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे और इंजीनियरों का ये कहना था अगर जहाज में दो कंपार्टमेंट में पानी भर भी गया तो भी ये जहाज नहीं डूब सकता था। लेकिन टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया था उस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारें पूरी तरह से टूट गई और पानी धीरे धीरे वाटर टाइट कंपार्टमेंट से होते हुए जहाज के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगा। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा उस समय जहाज को बनाने के लिए इस्तेमाल में ली गई धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु की शीट से बनाई जाती थी। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी और जहाज के बनाने के लिए तकनीक और सामग्री बेहद ही एडवांस हो चुकी है। अब जहाज को बनाने के लिए धातु को पिघलाकर शीटों के साथ जोड़ा जाता है। स्टील बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है।
आज का स्टील उस समय के मुकाबले बेहद ज्यादा मजबूत होता है। पहले के मुकाबले आज के समुद्री जहाज बेहद ज्यादा लग्जूरियस और एडवांस होते हैं। आज के जहाज समुद्री लहर के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफान से तालमेल बिठाने में बेहद ज्यादा सक्षम होते हैं। कई विशेषज्ञों के मुताबिक टाइटैनिक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, उस वक्त जहाज को बहुत सारी बर्फ की चेतावनी मिल चुकी थी, तब भी जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की स्पीड कम नहीं की और जहाज को बर्फीले हिस्से में उसी स्पीड से आगे बढ़ाया। दरअसल उस समय टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ये चाहती थी कि जहाज इतना बड़ा होने के साथ साथ उस समय का सबसे तेज होने का खिताब भी अपने नाम ही रखे, जिसकी वजह से जहाज के कैप्टन को स्पीड ना कम करने का प्रेशर होता था। दोस्तों, टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक जैसे ही दो और जहाज बनाए थे। उनमें से पहला जहाज था RMS ओलंपिक, जो कि टाइटैनिक जहाज से थोड़ा ही छोटा था, और दूसरा जहाज था HMS ब्रिटैनिक। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं सदी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर में हार्लैंड और वॉल्फ शिपयार्ड को तीन बड़े जहाज को तैयार करने का ऑर्डर दिया था, और इन तीनों जहाज को बेहद ज्यादा विशाल, लग्जूरियस और कभी ना डूबने वाला जहाज के तौर पर बनाया जा रहा था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। सबसे पहले दो जहाज बनाने का काम शुरू हुआ, 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज जाइगेंटिक यानी कि ब्रिटैनिक को बनाने का काम 1911 में शुरू हुआ था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किया था। 1908 में ये एक जर्मन पनडुब्बी से जा टकराया था। मरम्मत के बाद 1912 में फिर इसका इस्तेमाल शुरू किया गया। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया, और ये तीनों जहाज अपने समय के काफी आलीशान और विशालकाय जहाज थे। लेकिन आज के जहाज के मुकाबले ये तीनों जहाज काफी छोटे माने जाएंगे। टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दलों को मिलाकर उस समय इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा मौजूद थी। आज के समय में सबसे बड़ा दुनिया का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो लगभग 362 मीटर लंबा है, और इस जहाज में चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टाइटैनिक दुर्घटना में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और इस हादसे के बाद समुद्री जहाज की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। टाइटैनिक हादसे में बेहद सारे लोगों की जान इसलिए भी गई थी, जैसा कि टाइटैनिक जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज में उस वक्त मौजूदा यात्रियों के हिसाब से कम लाइफ बोट रखी गई थी। उस समय अगर सोनार और रडार जैसी टेक्नोलॉजी होती तो टाइटैनिक आइसबर्ग से कभी नहीं टकराता। कई विशेषज्ञों के मुताबिक 2050 तक टाइटैनिक जहाज समुद्र से पूरी तरह गायब हो जाएगा, जिसके बाद हम शायद टाइटैनिक जहाज को उसकी पुरानी फोटो या फिर वीडियो से ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।